जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्रमवाचक गिनती क्या होती है, गुणवाचक गिनती क्या होती है, अंशवाचक गिनती क्या होती है। इस वीडियो हम सीखेंगे। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्रमवाचक गिनती। क्रमवाचक गिनती में क्या क्या आती हैं? ओके, फर्स्ट है फर्स्ट माने पहला या प्रथम, सेकेंड माने दूसरा या द्वितीय, थर्ड तीसरा या तृतीय, फोर्थ माने चौथा या चतुर्थ, फिफ्थ माने पांचवा या पंचम, सिक्स्थ माने छठा या षष्ठम, सेवंथ माने सातवा या सप्तम, एट माने आठवा या नौवा, एट माने आठवा, ओके, या अष्टम होगा। नाइन्थ माने नौवा या नवम, टेंथ माने दसवा या दसम। ओके, अब देखते हैं गुणवाचक गिनती। गुणवाचक गिनती में क्या क्या आता है? सिंगल माने क्या होता है? एकहरा या इकहरा। डबल माने दुगना, दो गुना। ट्रिपल माने तीन गुना या त्रिगुना या तीन गुना। ओके, फोर फोल्ड माने चौगुना या चार गुना। फाइव फोल्ड माने पांच गुना। ओके, सिक्स फोल्ड माने छह गुना। सेवन फोल्ड माने सात गुना। एट फोल्ड माने आठ गुना। इसी प्रकार टेन फोल्ड माने दस गुना। ओके, अब देखते हैं अंशवाचक गिनती में क्या क्या आते हैं। वन बाई टू क्या बोलते हैं? हाफ। इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, हिंदी में आधा। थ्री बाई फोर को क्या बोलते हैं? थ्री फोर, तीन चौथाई। टू बाई थ्री का टू थर्ड, दो तिहाई। वन बाई फोर का वन फोर्थ, चौथाई भाग। ओके, वन बाई फाइव को क्या बोलते हैं? वन फिफ्थ, पांचवा भाग। वन बाई सिक्स का क्या बोलेंगे? वन सिक्स्थ छठा भाग। अब वन बाई सेवन का वन सेवंथ, सातवां भाग। इसी प्रकार करेंगे तो वन बाई टेन क्या बोलेंगे? वन टेंथ, दसवां भाग। ओके, थैंक यू।